हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, कितनी भी पुरानी एसिडिटी हो, कोई इलाज काम नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बताया गया इलाज अगर आप करते हैं एक वीक के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वीक का टाइमिंग दे रही हूं मैं आपको, तो 100% एसिडिटी दूर हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी एसिडिटी पेट सीने से होकर गले तक आती है, तो ये इलाज एसिडिटी को तोड़ देगा, बॉडी से एसिडिटी को दूर कर देगा। अगर आपको भी बहुत ज्यादा खट्टे डकार आते हैं खाना खाने के बाद, स्पेशली लंच के बाद या फिर सुबह उठते ही, तो ये वीडियो जरूर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखती है उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी बहुत बनती है। इलाज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि एक वीक के लिए आपने इस इलाज को फॉलो करना है, लेकिन इलाज आप तभी फॉलो कीजिए अगर आपने चाय और कॉफी छोड़नी है, अगर आपने अचार नहीं खाना, आपने सॉस नहीं खानी, तो आप इस इलाज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो बात करते हैं एसिडिटी यानी कि वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो आपको एसिडिटी को दूर करने के लिए, भयानक से भयानक एसिडिटी को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों की ही जरूरत है, और आपने इन 3 चीजों का मिश्रण दिन में एक बार ही लेना है एक वीक के लिए। तो आपको चाहिए 150 ग्राम तक गन्ने का रस। गन्ने के रस में बहुत ज्यादा क्षार होती है, अम्ल बिल्कुल नहीं होता, और ये बॉडी से अम्ल यानी एसिड को बाहर भी करता है। 150 ग्राम यानी कि आधा गिलास आपको गन्ने का रस लेना है, वो भी 15 मिनट से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गन्ने के रस के बारे में एक चीज बता दूं कि जितना टाइम भी, जितना सीजन भी गन्ने का रस आता है, रोजाना एक गिलास गन्ने का रस दोपहर में जरूर पीना चाहिए। ये बहुत सी बीमारियों को नहीं होने देता। इसमें आप 4 चम्मच तक एलोवेरा जूस मिक्स करेंगे। एलोवेरा जूस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एसिड को बाहर करने की एबिलिटी रखती है। इन दोनों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है। तीसरी चीज बहुत खास है जो एसिड को दूर करती है, जो अंदर ठंडक लाती है, आपने आधा चम्मच जीरा पाउडर लेना है। जो कच्चा जीरा हमारे किचन में मिल जाता है, भूनना नहीं है, उसे रोस्ट नहीं करना, आपने उसका पाउडर तैयार कर लेना है और इस शेक में मिक्स कर देना है। यानी कि आपने 150 ग्राम गन्ने का रस लिया, 4 चम्मच एलोवेरा जूस ले लिए और आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा इसमें मिक्स करके पी लिया। अब आपने पीना कब है ये भी जान लीजिए कि आप लंच से आधा घंटा पहले पी सकते हैं या फिर लंच के 1/4 घंटा या घंटा बाद में पी सकते हैं। इस तरीके से आप इस मेडिसिन को, इस ड्रिंक को ले सकते हैं। ऐसा करने से एक वीक के लिए अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो एसिडिटी दूर हो जाएगी। जिनकी एसिडिटी बहुत सी मेडिसिन से दूर नहीं हो रही, ये 3 चीजें एसिडिटी को दूर कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप अपनी और अपने बच्चों की इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी बड़े ही फनी ट्रिक्स से, तो आप माइंड मास्टर गौरव धवन चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।